سبحر الخيل وهي चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। आओ कि कोई ख्वाब बुने कल के वास्ते, वरना ये रात आज के संगीन दौर की डस लेगी जानो दिल को कुछ ऐसे कि जानो दिल ता उम्र फिर न कोई हसी ख्वाब बुन सके। गो हमसे भागती रही है गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, तेज गाम यानी फास्ट, गो हमसे भागती रही ये तेज गाम उम्र, ख्वाबों के आसरे पे कटी है तमाम उम्र, जुल्फों के ख्वाब, होठों के ख्वाब और बदन के ख्वाब, मेराज फन के ख्वाब, कमाल सुखन के ख्वाब, तहजीब जिंदगी के फरोगे वतन के ख्वाब, जिंदा के ख्वाब, कूचा दार और रसन के ख्वाब, कूचा दार और रसन यानी लेन ऑफ स्टेक एंड रोप गैलोज, जिंदा के ख्वाब, कूचा दार और रसन के ख्वाब, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपनी जवानी के पास थे, ये ख्वाब ही तो अपने अमल के की असास थे, असास यानी फाउंडेशन, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात। दस्ते तहे संग यानी प्रेस्ड हार्ड टू द ग्राउंड बाय अ हेवी स्टोन, ये ख्वाब ही तो अपने अमल की असास थे, ये ख्वाब मर गए हैं तो बेरंग है हयात, यूं है कि जैसे दस्ते तहे संग है हयात। अब्दुल हई साहब तखल्लुस साहिर लुधियानवी, पद्मश्री और शायद हिंदी फिल्मी दुनिया के सबसे अजीम नगमा निगार, फिल्मी गानों की वजह से ज्यादा शोहरत तो इनको जरूर मिली, फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, पर बुनियादी तौर पे उर्दू शायर की हैसियत से उन्हें एहतराम मिला और वो बहुत मकबूल हुए। अब यूं कहें कि उनका जलवा गाए सिफात उनकी बेहतरीन शायरी की ही मानी जाएगी, लिखने पढ़ने वाले लोग उनकी शायरी के कायल हुए, बेबस मजलूम लोगों को जो आवाज उनकी शायरी से मिली, जिस हसासियत और जज्बात के साथ उन्होंने उनके दर्द को समझा और फिर कभी कभी रूमानी भी, आज एक बार फिर पब्लिक कैफे में मौजू गुफ्तगु है साहिर लुधियानवी और उनकी शायरी और नगमा निगारी। मैं हूं सुधांशु मणि, नमस्कार आदाब, और आज मेरे साथ हैं जनाब सुहास मूले, पहली बार पब्लिक कैफे में इंदौर से, रिटायर्ड इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव हैं पर उर्दू शायरी में इनकी जबरदस्त पकड़ है, और अपनी खूबसूरत गायकी के साथ जनाब राजीव बिश्नोई, और पब्लिक कैफे में ये भी पहली बार अपनी शीनी आवाज के साथ मुतरमा कनुप्रिया जैन। तो समा बांधने के लिए शुरू करेंगे साहिर साहब के
दो बहुत ही खूबसूरत नगमों के साथ, और दरखास्त करेंगे विश्नोई साहब को कि अगर छू लेने दो नाजुक होठों को, हो जाए तो फिर मजा ही आ जाए। विश्नोई साहब, बिल्कुल जैसी आपकी फरमाइश है इसी गाने से हम लोग शुरुआत करते हैं। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसीं इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के नयू ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के नयू ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया शुक्रिया, और बड़ी अच्छी शुरुआत हुई। कनुप्रिया तुम्हारे पास आते हैं और दरखास्त हमारी होगी, फरमाइश कि अभी ना जाओ छोड़ के। नहीं, 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 अभी ना जाओ छोड़।
बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। बढ़िया कनौतिया। तो नाजरीन, अब इसके साथ कुछ गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं मूले साहब के साथ। आपसे मूले साहब, ये गुलजार साहब को कहीं मैंने कहते सुना था किसी YouTube वीडियो में कि कोई भी फनकार, अदीब या इवन एक टेक्नीशियन को भी अगर फिल्मी दुनिया में आना है तो उसे अडेप्ट करना पड़ता है फिल्मों के लिए। पर साहिर साहब शायद वाहिद ऐसे शायर हुए जिन्होंने अपना अंदाज बनाए रखा और फिल्मी दुनिया ने उनको वैसा ही अपनाया। और फिर हिंदी फिल्म मौसीकी की दुनिया में शायर या नगमा निगार को जो मुस्तहक वकार मिला, ये उनकी शख्सियत से ही मुमकिन हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस बात को अगर आप थोड़ा आगे बढ़ाएं भूले साहब। सुधांशु जी, रवि बिश्नोई जी, कन्नू प्रिया जी, साहिब की बात अगर चले, और जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि एक गरीब मजलूमों का शायर था, मैं बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं। जहां तक आपने जो सवाल की बात करी है, जब भी कोई टेक्नीशियन, कोई गीतकार, संगीतकार आता है तो पहले की जो व्यवस्थाएं रहती है उसमें से थोड़ा उसको सेट होना पड़ता है। साहिर साहब ऐसे आदमी थे साहब जो अपने आप में सबसे अलग आदमी थे। उनकी जो खासियत, जो बात पे बात करूंगा, उनका हर रंग के अंदर, उन्होंने हर रंग के अंदर गीत लिखे। उन्होंने जब पर्दे पर कोई हीरो आता था, हीरो की जो बेबसी दिखाई जाती थी, उस बेबसी का जो आलम उन्होंने पेश किया है, देवानंद की फिल्म साहब बाजी का आप ले लीजिए, कई फिल्म में आप ले लीजिए साहब, कि वो जो शायर रहता है वो फिल्म दुनिया के अंदर फिर वो शायर नहीं बचता साहब, वो साहिर लुधियानवी की आवाज हो जाती है। साहिर की साहब जब आवाज हो जाती थी, उनके उन्होंने जो भी जो फील्ड चुना साहब, जो बात उनको, मुझे एक बात याद आ रहा है यहाँ पे, फिल्म प्यासा के दरमियान, जो प्यासा का जब शूटिंग चालू होने वाली थी, मुहूर्त का शॉट था, दिलीप कुमार साहब को वहां आना था, दिलीप कुमार साहब किसी वजह से वहां आ नहीं पाए थे। साहिल साहब वहां पहुंचे और गुरुदत्त जी से कहा, हम कहते हैं कि इस फिल्म के हीरो आप होंगे। गुरुदत्त जी को फिल्म का हीरो बनाया गया। इस बात से पता चल पाता कि उनका कितना सिक्का गहरा जम चुका था। उन्होंने जो शायरी लिखना चालू कर दी थी, उनका एक अलग ही आलम था। एक ही मुखड़े से वो रोमांटिक गाना भी लिखते थे और ट्रेजिक गाना भी लिखते थे। अभी ना जाओ छोड़कर ये दिल अभी भरा नहीं, कनु प्रिया जी ने गाना सुनाया। इसी फिल्म का एक दूसरा गाना है, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। ऐसा कौन सा शायर ऐसा कि जो एक ही धुन से लेके ट्रेजिक सॉन्ग भी लिख सकता था, रोमांटिक सॉन्ग भी लिख सकता था। फिल्म दो कलियां के लिए उन्होंने जो गाना लिखा था, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, रोमांटिक गीत भी है और ट्रेजिक गाना भी है। गुमराह फिल्म के अंदर साहब जो बात लिखी उन्होंने, आजा आजा रे तुझको मेरा प्यार पुकार है, फिल्म का शुरुआत होती है रोमांटिक गाने से लेके, जब फिल्म का जब इंटरवल के बाद में जब पिक्चर ट्रेजिक तल चली जाती है, साहिर साहब में ही वो वाली बात थी कि उन्होंने उसी मुखड़े को लेकर ट्रेजिक गाना पेश किया था। ये उनका सिक्का चलता था फिल्म की कहानी के अंदर। वो कहते थे कि साहब ये गजल मैंने लिखी हुई है, इस गजल को आप कहाँ रख पाएंगे। पहले किसी जमाने के अंदर गीतकार को संगीतकार धुन बनाया करते थे पहले, और फिर उनको गायकी के लिए शब्द लिखना पड़ते थे। साहिर साहब ऐसे अकेले आदमी थे जो पहले नज्म लिखते थे, संगीतकार को बाद में वो कहते थे। यदि आप बात कहेंगे कि वो किसी एक संगीतकार से जुड़े नहीं रहे साहब, एसडी बर्मन ले लो, ओपी नैयर ले लो, जयदेव साहब ले लो, रवि जी ले लो, रोशन साहब ले लो, उनको कोई एड्रेस नहीं करना पड़ा सर, संगीतकार के उनकी चॉइस से चला करते थे संगीतकार। जब जयदेव के साथ उनका काफी अच्छा हो चुका था, अभी ना जाओ छोड़ करके, उसके बाद में उन्होंने एन दत्ता को लिया था साहब। फिर ओपी नैयर साहब आ गए, रवि साहब आ गए, रोशन साहब आ गए। ये साहिर साहब का ही सिक्का था कि जो वो नहीं झुके, उनकी जो बराबर की जो टीम थी उन्होंने साहिर के लिए इतना वकार दिया, इतना सम्मान दिया, साहिर साहब आप बताइए फिल्म में ये नज्म कब रखनी है, हीरो के मुंह से आप क्या कहलवाना चाहते थे। और साहिर साहब ने अपने दिल की बात, गरीबों मजलूमों की आवाज बढ़ाने के लिए बातें ऐसी कई नज़में लिखी है। आपने जैसे कहा गरीब मजदूरों की जो बात करते थे, जब भी उनका मौका मिला है
वो चाहे नया दौर की बात करें, गरीब मजदूरों की बात उन्होंने बहुत आगे बढ़ाई, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उन्हें कोई बात ऐसा तब्बक जो नहीं करना पड़ी जब वो पाकिस्तान से जब चले आए थे, और पाकिस्तान से आने के बाद जहां उनके दो चार गीत उन्होंने लोगों ने देख लिया, लोगों ने समझ गए कि साहिर साहब जो है एक अपने आप में अलग ही आदमी है, और उन्हें जो वकार सम्मान मिला वो ताउम्र मिलता रहा। बहुत बढ़िया, आपने बड़े अच्छे से बताया ये बात। आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, फिर आएंगे आपके पास, लेकिन ये जो उनकी शायरी और मौसीकी का ये माहौल जो बिश्नोई साहब और कनुप्रिया ने बुना है उस पे आते हैं, आप बिश्नोई साहब से दरखास्त करेंगे कि अपनी मनपसंद अपना कोई नगमा अगर पेश करें। मुले साहब ने गम की बात करी है कि वो गम का तर्जुमा बहुत अच्छा करते थे, तो और एन दत्ता साहब की बात हुई है तो दोनों को कंबाइन करें तो एक गाना मुझे मेरे जहन में आता है, तलत साहब ने गाया है, अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है। बहुत को, बहुत को। वो पेश करना चाहूंगा आपके सामने। इरशाद, अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अशकों ने जो पाया जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। अशकों ने जो पाया है वो गीतों में दिया है, इस पर भी सुना है कि जमाने को गिला है। अशकों ने जो पाया खूबसूरत साहब, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो कनुप्रिया, आपसे भी दरखास्त है कि अपनी मनपसंद अपना मनपसंद कोई नगमा। जैसे गमों की बात चली है तो गमों के ऊपर ही कुछ अल्फाज जो साहिर साहब ने लिखे हैं, उसके साथ एक गाना है प्यासा फिल्म का, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, तो वही पेश। क्या बात, क्या बात। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलिया Yeah.
खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की दर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की दर्द मिली, चाहत थी लगनी चाहिए तो चाहत के नगमे चाहे तो आगे सहदिली, दिल के बोझ ना दे जो गम खार मिला, हमने तो जब कलिया मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कुनूत भैया। तो मूले साहब फिर आपके पास आएंगे जी। देखिए ये लफ्ज बार, एक बार दो बार वो वाला लफ्ज बार, और एक बार का एक ये मायने भी है वेट। तो गौर करें कि उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, वलवले यानी फरवर ऑर्डर, उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले, गो दब गए हैं बार गमे जिंदगी से हम। क्या बात है सब, क्या बात है, पैसा फिल्म का नाम है सब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तफाक से, अगर जिंदगी में मिल गए फिर इत्तफाक से, फिर इत्तफाक से पूछेंगे अपना हाल तेरी बेबसी से हम। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए जबकि अब उम्दा नगमा निगारी का दौर ही था वो 50s 60s, ऐसा माना जाता है, और साहिर साहब का मेरा ये फन ऐसा था कि इस दौर में भी सबसे ऊंचे मकाम पे काबिज हुए। तो हमारे पिछले प्रोग्राम में चंद्रशेखर वर्मा साहब तशरीफ लाए थे, उन्होंने जावेद अख्तर साहब के हवाले से एक बात कही थी, एक बात पे तबसरा किया था कि साहिर साहब शायरी हो या नगमा निगारी फिल्मों के लिए उनकी शख्सियत वही रही, वो साहिर ही रहे। अब एक उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मजरू साहब के दो रूप मिल जाएंगे आपको, एक शायर और एक लिरिसिस्ट। तो कोई तनकीद नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक हकीकत की बात है। तो ऐसा साहिर साहब के साथ नहीं हुआ, और मुझे लगता है आप भी इस बात से इत्तफाक रखते हैं, तो इस बात पे भी कुछ आप बोले अगर तो। जरूर जरूर जरूर, बहुत अच्छी बात खेड़ी है आपने। यदि आप साहिर साहब की निजी जिंदगी के बारे में आप सोचेंगे तो उनकी निजी जिंदगी बड़ी परेशानी और औरतों पर जुल्म देखते हुए बीती थी। उनके पिताजी ने, उनके वालिद साहब ने उनकी माताजी को तलाक दे दिया था, और मुझे ये किस्सा याद है कि 8 साल की उम्र में उनसे अदालत ने पूछा था कि आप पिताजी के साथ रहना चाहेंगे माताजी के साथ रहना चाहेंगे। अदालत ने उनकी मर्जी में बात छोड़ दी थी। माताजी काफी परेशान थी, काफी तंग हाल होती थी, और उन्हें पता था कि माताजी के साथ रहने में उन्हें तंग हाली से ही जीवन गुजारना पड़ेगा, लेकिन उस हाल में भी उन्होंने अपनी माताजी के साथ रहने की ख्वाहिश बताई थी। तो उनकी माताजी ने जिस तरीके से उनको पाल पोस के बड़ा किया, जो खस्ता हाली देखी उन्होंने, वो जो दाग है वो उनके दिल पे तमाम उम्र बने रहे, और वही बात उनकी गजलों में कहीं रखी है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जहां जहां पर यह बात आती। प्यासा फिल्म की जब बात आती है, तब जैसे उन्होंने कहा था कि जब वो मुहूर्त के टाइम उन्होंने बता दिया था गुरुदत्त जी को कि मैं आपके लिए ताजा नज्म का एक नज्म मेरे लिए दिमाग में बन चुकी है, कहां है जिन्हें नाज है हिंद पर, कहां है। उस समय वो शायद रेड लाइट जैसे होकर देखे आए थे, वो सीन उनको इतना टचिंग महसूस हुआ है कि हमारे देश में ये हाल है, कहां है जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहां है।
तो वो जो शख्सियत थी वो हमेशा बनी रही। मैं यहाँ और एक बात कहना चाहूंगा, अक्सर ताजमहल को एक प्रेम का मकबरा कहा जाता है, यदि प्रेम की बात चली जाती है तो ताजमहल की ही मिसाल दी जाती है, इससे बढ़िया मिसाल तो आज किसी ने सोची नहीं होगी हमारे यहाँ पे। लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक साहिर साहब अपनी ताउम्र के अंदर ताजमहल नहीं गए थे, उनकी आप भी जानते हैं उनकी जो गजल थी, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, क्योंकि जब मैं ताजमहल जाता हूं तब मुझे प्रेम की शख्सियत शाहजहां मुमताज नहीं दिखाई देते, मेरे पर गरीब मजलूमों का चूसा हुआ खून नजर आता है। जिन्होंने वो जो आदमी था वो फिल्म के लिए शायरी लिख सकता था, लेकिन असली जिंदगी के अंदर भी गरीब मजलूमों के लिए जीते थे, औरतों पर जब भी अत्याचार होता था उसके लिए जीते थे। जहां तक रोमानियत की बात थी, रोमानियत के उनके एक से एक शानदार गीत है साहब, उसका कोई जवाब ही नहीं है। उसके उनका जो अमृता प्रीतम के जो रुझाव था, जो प्रेम था, उससे जाहिर होता था। उस जमाने के अंदर जब हिंदू मुस्लिमों को अंदर एक दूसरे से दूर माना जाता था, उनका मिलन असंभव माना जाता था, उन्होंने इस बात का हक बताया, इस बात के लिए उन्होंने जिद रखी। अमृता प्रीतम जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, लुधियाना कॉलेज के अंदर उस समय काफी दंगे नुमा माहौल हो चुका था, लेकिन साहिर साहब झुके नहीं थे, अपना जो प्यार था उन्होंने इसका इजहार करा था। वो जो शायर थे वो जो कहता था कि मैं अपनी कलम कभी बेचूंगा नहीं, मैं ये उन्होंने कभी अपनी कलम बेची नहीं थी। उन्होंने कभी सस्ते गीत लिखने की बात आती, कभी सस्ते गीत नहीं लिखे थे। वो जो फलसफा लिखते थे साहब, वो फलसफा साहब, वो हम दोनों के गीत ले लीजिए, आप वक्त फिल्म का गीत ले लीजिए, वो जो फलसफा है साहब वो कभी मिल नहीं सकता। उनको उनकी जो निगाह थी, वो निगाह साहब जिंदगी को समझने के वाली जो बात थी, वो शायद और किसी शायर ने पेश करी हो साहब। वाह क्या बात, अगर आप इजाजत देंगे तो साहब मैं, मेरा जो अजीज गीत है उनका फिल्म चित्रलेखा का, वो मैं तो लेकर गाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोहन जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा, काहे जतन करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा मूले साहब आपने और आपने मुख्तसर इतनी बढ़िया बातें बताई हैं साहिर साहब के बारे में, ये आनंद आ गया। तो अब विश्नोई साहब के पास फिर आते हैं और इस बार दरखास्त करेंगे कि इतनी हसीन इतनी जवान रात क्या करें अगर हो जाए। यहाँ रुमानियत की बात करी है जी, तो रुमानी गाना तो होना बनता ही है जी 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 नहीं बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, लीजिए मैं आपके लिए पेश करता हूँ। इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें।
सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, सांसों में घुल रही है किसी सांस की महक, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, दामन को छू रहा है कोई हाथ क्या करे, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शुक्रिया शुक्रिया कनुप्रिया। एक गाना है उनका जो हमारी हम लोगों की जवानी में कॉलेज डेज में पागल थे हम लोग इसके लिए, तुम शायद तब पैदा नहीं हुई हो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, उसके कई वर्जन भी हैं उनके। अब ये एवरग्रीन अगर तुम प्लीज ये वाला सुना दो। Yeah.
वाह बढ़िया, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे। ये गेसुओं की घनी छाव है मेरी खातिर, जादू है साहब, मूले साहब, तो उनके रुखसार पे ढलके हुए आंसू तौबा, उनके रुखसार पे ढलके हुए आंसू तौबा, मैंने शबनम को भी शोलों पे मचलते देखा। क्या बात है साहब, क्या बात है साहब, ये साहिर साहब, यानी देखिए उनका नाम ही जादू था, साहिर जादूगर, और उनका था भी कमाल सुखन का एजाज, उनकी बातों में कहा जाए कि एक एक कैरिज्मा था जो अगर होता है तो होता है, और वो बनाया नहीं जा सकता, तो सिर्फ अल्फाज का जादू, मेटाफर का कमाल, ख्याल का हुस्न, ये सब तो था ही, पर उसके अव्वल कुछ ये जो मुआजिजा था। तो अब आपसे बार बार सवाल कर रहा हूँ मिलते जुलते, तो जरा हमारे नाजरीन तक ये बात भी पहुंचाइए, ये जो कैरिज्मा, ये जो जादू था उसकी बातों, मूले साहब। हाँ जी जी भाई साहब, ये जो जादू था, ये तो साहब जादू जो है ना, वो जो फिल्में उससे बना करती थी, साहिर साहब से सिर्फ कह दिया जाता था, साहिर साहब ऐसी ऐसी बातें हैं, ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन के आने के ऊपर से साहिर साहब खुद उस समय हीरो के रूप में तब्दील हो जाया करते थे, और कई बार अपने दिल की बात जो है, अपने दिल की बात किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से, हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है। ये तो काफी बात की फिल्म है, त्रिशूल फिल्म का जो बात थी, उसमें काफी रोमांटिक फिल्म का दौर आ चुका था, लेकिन उस समय भी अमिताभ बच्चन के दिल में जो चोट थी, उसकी माँ के साथ जो इनजस्टिस हुआ था, वो बात उसने अमिताभ बच्चन के मुंह से कहीं से भी बाहर निकाल दी थी। वो जो शख्सियत वाली जो बात थी, ये जो था ना, आपने जो चैरिज्मा जो था ना, ये उसको एक हल्का सा असर, एक अवसर मिलना चाहिए, ये बात कहां से निकल के आती है, ये बात फिल्म की कहानी को कैसे भी हो, किसी भी रूप में कहानी हो, लेकिन हर बार साहिर खुद उसमें आता था। गुमराह फिल्म में साहिर खुद कहीं कभी मौजूद है, प्यासा फिल्म में साहिर खुद कहीं कभी मौजूद है, कभी कभी फिल्म में कौन है, वो साहिर है। एक बात वो कहता है, मैं हर एक पल का शायर हूं, एक बात कहता है, मैं पल दो पल का शायर हूं। साहब ये कौन से शायर की ताकत है जो ये बात कह सके, और दोनों बातों में अपील, पुरजोर अपील रखता है। काजल फिल्म के अंदर जब वो शुरुआत में कहता है तोरा मन दर्पण कहलाया, आपको पूरे भक्ति भाव से भर देता है वो, और उसी फिल्म के अंदर ये बात लिखता है, छू लेने दो नाजुक फोटो, ये बातें जो है, ये साहब साहिर में बात थी, एक पल के लिए इस दौर के अंदर, एक पल, ये जो साहब कई सिचुएशन में ऐसी है जिसमें साहिर के अलावा कोई लिख ही नहीं सकता था, ऐ मेरी जोहरा जबी, मुझे साहब आज तक ये बातें याद आती हैं, जब भी किसी की शादी 25वीं सालगिरह होती है, 50वीं सालगिरह होती है, यदि कोई बात गीत की बात आती है, तो एक पति अपनी पत्नी के लिए दूसरा गीत सोच ही नहीं पाता साहब, ऐ मेरी जोहरा जबी। जब कोई बेटी की डोली अपने घर से उठती है, वो जो गीत वो लिख के गए हैं, तुम्हारा बाबुल की दुआएं लेती जा, या तुझको सुखी संसार मिले, कोई गाना बना है इसके तो टक्कर का आज तक, एक एक लफ्ज साहब चुने हुए हैं। क्या बात, तुझे सूरज कहूं या चंदा, जब एक बाप अपने बेटे को देखता है, आज मुझे तुझे आज आज उंगली थाम के तेरा, तुझे मैं चलना सीख लाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, ये कहानी तो भाई साहब दोहराती रहेगी, ये कहानी हम सब दोहराते रहेंगे, जब जब ये कहानी सामने आएगी हमारे जहन में साहिर साहब आते रहेंगे, जब जब भी रोमांटिक की बात आएगी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैंने साहब नए नौजवान लड़कों को गाते हुए सुना है, जिन्होंने शायद कभी कभी फिल्म देखी भी नहीं थी, सुनी भी नहीं थी, लेकिन साहब ये गाना इतना अमीर है। कभी प्रोग्राम होते हैं, अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, रोमांटिक गीत का सबसे पुरजोर असर वाला गीत जो आता है, यही गीत आता है साहब, उसी फिल्म के अंदर वो गाना लिखता है दूसरा, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कौन रोया है किसी और की खातिर ए दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया। साहिर साहब कितने एहसान है आप पे, हमारे जब जब भी हमारे जज्बात में ऐसी बात आती है, जब हमें कुछ लफ्ज नहीं मिल पाते हैं, हमारे दिल में भावनाएं, जब कुछ भावनाएं घुटी घुटी से रहती है, तब साहिर हमको लफ्ज देते हैं,
साहिर साहब के गीत हमारे दिल के दिल का दरवाजा खोल देते हैं और हम हमारे दिल को हल्का कर देते हैं। वाह वाह, साहिर साहब के गीत हमारे दिल का दरवाजा खोल देते हैं, क्या बात कही आपने। और अब प्रोग्राम के इंतहा की तरफ आ रहे हैं हम लोग, और मुनासिब होगा कि चलते चलते विश्नोई साहब पे छोड़ा जाए कि ये समा जो है बरकरार रहे, उसके लिए कोई एक गीत विश्नोई साहब की तरफ से हो जाए। मुले साहब ने कई एस्पेक्ट सुन के बताए साहिर साहब के, एक और एस्पेक्ट है जो टीजिंग सॉन्ग जिसको हम कहते हैं, जिसको हसरत जयपुरी जिसमें माहिर थे उस ज़माने में 60s में लिखे गए, तो उसी का एक एग्जाम्पल मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, इतनी नाजुक ना बनो। क्या बात, वाह वाह। इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो, हद के अंदर हो नजाकत तो अदा होती है, हद से बढ़ जाए तो आप अपनी सजा होती है, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिस्म का बोझ उठाए नहीं उठता तुमसे, जिंदगानी का कड़ा बोझ सहोगी कैसे, तुम जो हल्की सी हवाओं में लचक जाती हो, तेज झोंकों के थपेड़ों में रहोगी कैसे, इतनी नाजुक न बनो, हाय इतनी नाजुक न बनो। बहुत ही बहुत बुलाया, शुक्रिया शुक्रिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का सोग, सोग यानी लैमेंटेशन, बर्बादियों का सोग मनाता मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको बुलाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहा, वाह क्या बात है, देखिए, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहा, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और देखिए, चांद चंद कलियां नशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, महवे यास लॉस्ट इन होपलेसनेस, चंद कलियां नशात की चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूं, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूं। तो विश्नोई साहब, मूले साहब और कनुप्रिया, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत मशहूर हूं आपका, और इस तरह साहिर साहब ने हमें किस हैरत और हसासियत के मकाम तक पहुंचा गए हैं, वो हमें इस जादूगर सदाबहार सदा नौजवान शायर पे बात करने और उनका कलाम सुनने, जल्दी जरूर फिर हाजिर होंगे और पब्लिक कैफे में अगले मंगलवार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।
नमस्कार। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में।